हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज है 23 अप्रैल और देख लेते हैं आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जितने भी आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे और साथ में उनके कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और साथ में फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी आपको PDF मिल जाएगी। और अदरवाइज आपको जो है हमारी साइट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी जाकर जो साइट से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो कल की वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं और साथ में फ्रेंड्स आज भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दूंगी जो कि आपका टेस्ट क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि नॉर्वे। अगला प्रश्न है हमारा, आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। इसके जो ऑप्शंस है वो है 22 अप्रैल, 20 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल। इसका सही उत्तर है वो है डी, यानी कि 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ये फर्स्ट टाइम जो है 2006 में, ठीक है, 2006 में मनाया गया था। और इसका जो मोटिव है वो क्या मोटिव है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाने का, मोटिव है कि जितने भी भारतीय और राज्य प्रशासनिक सेवा के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा अपने आप को जो है भारतीय नागरिकों के बीच में समर्पित करना। 21 अप्रैल को ये क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए और आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा होगा कि 21 अप्रैल को ही ये लोक सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है 1947 को भारत के जो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने जो है भारतीय लोक सेवा आयोग के पहले दल को जो है स्थापित किया था। जो ये पहला दल स्थापित किया था इसका जो नाम था वो था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। और संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष है वो है अरविंद सक्सेना। इसके जो सबसे फर्स्ट जो, ठीक है, याद रखिएगा, अरविंद सक्सेना जो है इसके सदस्य हैं, बल्कि जो है अध्यक्ष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसको जूडो यूनियन ऑफ एशिया के महासचिव के रूप में चुना गया है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है मुकेश कुमार को जो है जूडो यूनियन ऑफ एशिया के महासचिव के रूप में चुना गया है। ये उनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है मुकेश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने कौन सी ऐप लॉन्च की है। इसका जो आंसर है वो है वोटर टर्नआउट। जो है हाल ही में जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो है वोटर टर्नआउट ऐप को लॉन्च किया है। ये जो वोटर ऐप लॉन्च की है इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जब भी आप वोट डालते हो उसके दौरान ही या तुरंत बाद ही आपको ये पता चलता है कि वोटर की संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत जो है मतदान हो चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। इसकी जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है, वो है सुनील अरोड़ा जी, ठीक है, याद रखिए। और इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन जो है देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, ये डे मनाया जाता है। कौन सा डे, नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इनकी जो पिक्चर है सुनील अरोड़ा जी जो कि चेयरमैन है इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनन गणराज्य में भारत के अग्रणी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है सुहेल अजाज खान, ये उनकी पिक्चर है जिसे कि लेबनन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, सुहेल अजाज खान। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 1997 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं। इनसे पहले जो है संजीव अरोड़ा थे, उनकी जगह पर अब सुहेल अजाज खान को जो है लेबनन गणराज्य का जो है भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है।
ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि लेबनान के बारे में देख लेते हैं। ये कंट्री जो है लेबनान, ये रही ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो है बेरूट, करेंसी है लेबनीज पाउंड और प्रेसिडेंट है जो मिशेल ऑन और पीएम है वहाँ के वो है साड हैरीरी। ठीक है, ये थोड़ी सी इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के द्वारा भारत का हज कोटा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है? इसका आंसर है सऊदी अरब के द्वारा जो है हज कोटा बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए पहले जो ये कोटा था ये 1.75 लाख था। ठीक है, याद रखिएगा 1.75 लाख पहले था, अब जो है 2 लाख कर दिया गया। अब थोड़ा सा सऊदी अरब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद, ठीक है याद रखिएगा, और इसकी करेंसी है सऊदी रियाल और इसके जो किंग है वो है सलमान। ठीक है, ये रहा सऊदी अरब, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अजय वी राय को किस राज्य के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? इसका जो है राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। ये चुनाव कमीशन के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो है अजय वी राय को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल है जो इसकी जो कैपिटल है वो है कोलकाता। ठीक है, याद रखिएगा। सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है केशरीनाथ त्रिपाठी। वहाँ के लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा 16, विधानसभा की सीटें जो है वो है 294। फोक डांस है वहाँ का वो है गंभीरा डांस, और नेशनल पार्क है वहाँ के वो है जल्दापारा नेशनल पार्क और बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IMF ने किसके साथ मिलकर लर्निंग क्वाइन लॉन्च किया है? इसका आंसर है वो है ए, यानी कि विश्व बैंक के साथ मिलकर जो है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने जो है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर जो है लर्निंग क्वाइन लॉन्च किया है। जो भी लेन देन होगा अब इनके बीच में वो लर्निंग क्वाइन के थ्रू ही अब किया जाएगा। अब थोड़ा सा IMF के बारे में देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो IMF है जो हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन में। ठीक है, याद रखिएगा वाशिंगटन में इसका जो है IMF का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक के बारे में, ये किसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी Washington DC में है, USA में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ भागीदारी की है? इसका आंसर है बी, यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ जो है एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने जो है भागीदारी की है। ठीक है, इसके बारे में आपको एयरटेल पेमेंट के बैंक के बारे में पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 2016 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, CEO इसके जो है वह अनुर बराटा विश्वास। अब थोड़ा सा भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2008 में, हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका MD और CEO वो है विकास सेठ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला ATP खिताब जीता है? ATP की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, का खिताब जो है क्रिश्चियन गैरिन ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा ATP फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, और जो क्रिश्चियन गैरिन है ये जो चिली के टेनिस प्लेयर है जिन्होंने ये खिताब जीता है। और किसे हराकर जीता है? इन्होंने जीता है कैस्पर रूड को जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल जो कि इनकी जो, अब थोड़ा सा ATP के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। इसकी जो ATP की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सितंबर 1972 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसके जो चेयरपर्सन है वो है क्रिस कैरमोड। ठीक है, इसके चेयरपर्सन है वो चेरिस कैरमोड इसके चेयरपर्सन है। अगला अब देख लेते हैं थोड़ा सा चिली के बारे में, क्योंकि उन्होंने जो आपको बताया था कि चाइल्ड के बारे में जी इस खिलाड़ी ने जो है जीता है। तो इसकी जो कैपिटल है वो है सेंटियागोआ और करेंसी है पैसो, प्रेसिडेंट है इसके सेबास्टियन पिनेरा। ठीक है, थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको चाइल्ड के बारे में या चिली के बारे में पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा समुद्री जहाज लॉन्च किया है? इसका जो सही उत्तर है वो है INS इंडियन नेशनल। ठीक है, INS इम्फाल जो है
और हमारी जो भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इंडियन नेवी चीफ जो है हमारे एडमिरल सुनील लांबा जी हैं, उन्होंने जो मुंबई में इसे लॉन्च किया है। और आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये किया जाता है कि 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। एडमिरल सुनील लांबा जो कि हमारे नेवी चीफ है, उन्होंने इसे लॉन्च किया और कहाँ किया है, मुंबई के अंदर INS इम्फाल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी को ISO प्रमाण पत्र मिला है? इसका जो आंसर है वो है Chola MS, यानी कि Chola MS को जो है ISO प्रमाण पत्र मिला है। ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो ISO का जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में जिनेवा के अंदर, जिसका जो है हेडक्वार्टर है। अब थोड़ा सा Chola MS के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए। जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है Cholamandalam MS जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 2001 में, हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसके जो MD है वो है Gopalarathnam SS, ठीक है, इसके MD है, देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हाल ही में अमर पोल का निधन हो गया, वह कौन थे? अमर पोल के बारे में बोला गया है, अमर पोल थे गायक थे, वो एक फोक सिंगर थे बंगाल के, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले थे ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होते हैं उनके बारे में, उनके अवार्ड्स के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कि उन्हें जो मेन 2 अवार्ड्स बता देती हूँ कि वो है संगीत नाटक अकेडमी जो है उन्हें पुरस्कार दिया गया, और एक ललन पुरस्कार साहित्य जो है उन्हें मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, किस जो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, ये तो थे कंप्लीट आज के 23 अप्रैल के जो है हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देख लेते हैं टेस्ट क्वेश्चन, जो कि आज का टेस्ट क्वेश्चन है वो है, किस देश में एशियाई चाय गठबंधन शुरू किया गया है? ऑप्शंस है चीन, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन मैं आपको वो क्वेश्चन देती हूँ आंसर क्वेश्चन टेस्ट के लिए जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, सभी के सभी लोग इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी रिविजन होती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आप इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, तो आंसर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपका हर एक डाउट जो है क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये तो थी आज के हमारे कंप्लीट करंट अफेयर्स। जय हिंद।